क्या आपने कभी जिंदा आदमी की शव यात्रा देखी है? यदि नहीं तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में एक ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें मुर्दा अर्थी पर लेटा है, बाजार से शव गुजर रहा है और मुर्दा इसी बीच बातचीत भी कर रहा है और तो और पानी भी पी रहा है। आखिर ये सब क्यों हुआ, जानने के लिए हमारी ये पूरी खबर सुनिए। लगातार लंबे समय से मंदसौर जिलेवासी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो मंदसौर प्रदेश के उन जिलों में शामिल हो गया है जहाँ बारिश बेहद कम हुई है। हालात यह हैं कि किसान, व्यापारी और आमजन, हर वर्ग अच्छी बारिश की राह तक रहा है, लेकिन बादलों की बेरुखी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बारिश की कामना को लेकर प्रभु के सामने लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं और तांत्रिक क्रियाओं का भी सहारा लगातार ले रहे हैं। ऐसे में मंदसौर में बारिश को लेकर एक अजीबोगरीब मामला टोटका सामने आया है। अर्थी पर लेटा यह शख्स है मंदसौर के समाज सेवी चैतन्य सिंह राजपूत, जिन्होंने साथी समाज सेवियों के साथ मिलकर बारिश को लेकर ऐसा टोटका किया जिसे देखकर लोग भी दंग रह गए। यहां अच्छी बारिश की प्रार्थना करते हुए चैतन्य सिंह ने स्वयं की जिंदा अर्थी निकाली। माना जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले तमाम टोटकों के बीच यह टोटका भी काफ़ी कारगर है। जिंदा चैतन्य सिंह राजपूत की यह अर्थी शहर के गांधी चौराहा विश्वपति शिवालय से शुरू हुई, जो कि बस स्टैंड बालाजी होते हुए गणपति चौक जनकपुर पहुंची। यहां सभी ने भगवान से अच्छी बारिश की कामना की। बता दें कि यह जिंदा अर्थी यात्रा बकायदा बैंड बाजा ढोल धमाके के साथ निकल दी। एक समय तो ना जानने वाले इसे सचमुच की अंतिम यात्रा समझने लगे, लेकिन जब अच्छी बारिश और वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण बचाव का माइक से अनाउंस हुआ तो फिर लोगों को कुछ समझ आया। क्या आयोजन रखा गया? देखिए, भगवान इंद्र एक हटी ने हमारे भगवान हैं, वो हर बात पर रुक जाते हैं। उसको मनाने के लिए मंदसौर में अनेक लोगों ने अनेक प्रयत्न कर लिए, पर राजा इंद्र नहीं माने। तो निश्चित रूप से एक पुराना अजमाया हुआ टोटका है और उसको चरितार्थ करने के लिए आज मंदसौर गांधी चौराहे से एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा। मैंने अनेक मुर्दों का तो दाह संस्कार किया ही है, मेरा पहला प्रसंग है कि मैं एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा को लेकर मंदसौर के विभिन्न, ये शव यात्रा शमशान जाने के बजाय शहर के मार्गों से होते हुए निकलेगी। देखिए, पानी नहीं गिरा, इसके लिए भगवान तो अपने आप में दोषी हैं, पर उससे ज़्यादा दोषी इंसान है। अपने मतलब के लिए उन्होंने पेड़ काट दिए हैं, अपने मतलब के लिए वो प्लास्टिक का उपयोग करता है, वो पर्यावरण का वो नुकसान करता है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी गलतियों को भी सुधारना होगा, वो प्रभु से प्रार्थना। मुर्दा बनाया जा रहा है, कौन लगता है? देखिए, एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो मुर्दा व्यक्ति बन रहा है, पहले जफर शेख के नाम से जाना जाता था मुस्लिम समाज से, और उन्होंने चैतन्य राजपूत के नाम से हिंदू धर्म ग्रहण किया है। वो निश्चित रूप से उस मंदसौर शहर में अनेक ऐसे प्रसंग है जिस पर जो हिंदू कौम में पैदा हुए हैं पर वो नहीं कर पाते हैं। जफर शेख भाई जो चैतन्य राजपूत के नाम से अब मंदसौर शहर में जाने जाते एक नाम है, उन्होंने आज ये बीड़ा उठाया। उस बीड़े में हम सब उनके साथ है। अगर पानी गिरेगा तो चैतन्य राजपूत को फ़ायदा नहीं मिलेगा, पशु पक्षियों को, फसलों को, कुएं बावड़ियों को और मतलब इंसान को इसका फायदा मिलेगा, इसलिए हम आज ये शव यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा नाम सुनील बंसल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नगर पालिका परिषद में जनता का उम्मीदवार हूँ।